नमस्ते बच्चों आज हम हिंदी का नया पाठ पढ़ेंगे इस पाठ का नाम है चिड़ियाघर की सैर दैट इज़ चैप्टर नंबर ट्वेल्व फ्रॉम पेज नंबर सेवेंटी टू हियर चिड़ियाघर मीन्स जू एंड सैर मीन्स अ विजिट सो इन दिस चैप्टर यू कैन सी किड्स आर विजिटिंग टू अ जू विद देयर ग्रैंड फादर सो डू यू नो वॉट इज अ जू It's a place where animals are kept within and displayed for public to view. Now let's read this chapter. So here you can see Kathin Shabd, that means difficult words. So the first one is Avishakta, that means needs. Next one Chidiya Ghar, Zoo, Dwar means gate or door, Dahar means roaring. जिराफ इट्स एन an एनिमल खूबसूरत ब्यूटिफुल कृत्रिम मीन्स आर्टिफिशियल धन्यवाद थैंक यू जल लहरिया मीन्स वॉटर वेव्स नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस चैप्टर एंड यू हैव टू लिसन इट वेरी केयरफुली द फर्स्ट वन पशु हमारे मित्र है ये हमारी अनेक आवश्यकताएं पूरी करती हैं पशु दो तरह के होते हैं जो पाले जाते हैं उन्हें पालतू पशु कहते हैं जैसे गाय घोड़ा भैंस गधा कुत्ता बिल्ली बकरी आदि जो जंगलों में रहते हैं उन्हें जंगली जानवर कहते हैं जैसे शेर चीता भालू बंदर आदि लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्यू वर्ड्स हियर पशु मीन्स एनिमल्स हमारे मीन्स आवर्स एंड मित्र मीन्स फ्रेंड्स सो द मीनिंग ऑफ दिस लाइन इज पशु हमारे मित्र है दैट मीन्स एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स नेक्स्ट लाइन ये हमारी अनेक आवश्यकताएँ पूरी करती है सो so हियर अनेक मीन्स मेनी एंड आवश्यकताएँ मीन्स नीड्स

पालतू पशु कहते हैं हियर पालतू मीन्स डोमेस्टिक एनिमल जैसे गाय गाय मीन्स काउ घोड़ा हॉर्स भैंस पफल्लो गधा डोंकी कुत्ता डॉग बिल्ली कैट बकरी गोट आदि मीन्स एक्सेट्रा नेक्स्ट लाइन जो जंगलों में रहते हैं उन्हें जंगली जानवर कहते हैं हियर जंगलों मीन्स फॉरेस्ट एंड जंगली जानवर मीन्स वाइल्ड एनिमल्स जैसे लाइक शेर लायन चीता भालू बेर बंदर मंकी आदि एक्सेट्रा नाउ लेट्स रीड दी नेक्स्ट पैराग्राफ दादाजी के साथ सभी बच्चे चिड़ियाघर देखने निकले मुख्य द्वार से दादाजी ने टिकट खरीदे और हम सब अंदर चले गए भीतर जाकर हमने सबसे पहले रंग बिरंगी चिड़िया देखी एक साथ इतने रंगों की चिड़िया हमने पहले कभी नहीं देखी थी आगे बढ़े तो हमने एक भालू देखा दादाजी ने बताया कि भालू हाथी हिरन आदि जंगली जानवर है अचानक हमने एक शेर की दहाड़ सुनी ना लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्यू वर्ड्स दादाजी के साथ सभी बच्चे चिड़ियाघर देखने निकले हियर दादाजी मीन्स ग्रैंड फादर बच्चे चिल्ड्रेन एंड चिड़ियाघर मीन्स जू सो ऑल द चिल्ड्रेन दे वेंट टू विजिट अद्रैंडफादर मुख्य द्वार से दादाजी ने टिकट खरीदे और हम सब अंदर चले गए मेन एंड द्वार मीन्स डोर और गेट खरीदे मीन्स दे बॉट अंदर चले गए मीन्स दे वेंट इन साइड सो द मीनिंग ऑफ दिसन इज दैट ग्रांड फादर बॉट ट फ्रॉम द मेन गेट एंड दे वेंट इनसाइड द जू भीतर जाकर हमने सबसे पहले रंग बिरंगी चिड़िया देखीं सो so, भीतर मीन्स इन साइड पहले मीन्स फर्स्ट एंड रंग बिरंगी मीन्स कलरफुल चिड़िया मीन्स बर्ड्स सो वैन दे वेंट इन साइड द जू दे फर्स्ट सॉ द कलरफुल बर्ड्स एक साथ इतने रंगों की चिड़िया हमने पहले कभी नहीं देखी थी सो so, एक साथ मीन्स टुगेदर चिड़िया बर्ड्स एंड पहले मीन्स फर्स्ट सो द मीनिंग ऑफ दिस लाइन इज दैट द किड्स आर सेइंग दैट वी हैड नेवर सीन सो मेनी कलरफुल बर्ड्स टुगेदर आगे बढ़े तो हमने एक भालू देखा सो so, हियर आगे बढ़े मीन्स वेन दे मूव अहेड भालू बेर सो वे दे मूव एहेट दे सो अ बे दादाजी ने बताया कि भालू हाथी हिरन आदि जंगली जानवर है सो हियर ग्रैंडफादर सेट दैट भालू बैर हाथी एलिफेंट हिरन डियर आदि मीन्स एक्सेट्रा आर वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर दैट मीन्स वाइल्ड एनिमल्स अचानक हमने एक शेर की दहाड़ सुनी सो यह अचानक मीन्स सडनली शेर लायन दहाड हार्ड मीन्स रॉरिंग ऑफ लायन सडनली दे हर्ड द रॉरिंग ऑफ लायन नेक्स्ट लाइन डर से हम एक कदम पीछे हट गए दादाजी ने बताया कि शेर चीता भेड़िया बाघ आदि जानवरों को यहाँ रखा जाता है फिर हमने इन सभी जानवरों को देखा एक बड़े से खुले मैदान में हमने बड़ी बड़ी जाली के बाड़े में घूमते जिराफ देखे नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्यू वर्ड्स डर मीन्स फियर डर से हम एक कदम पीछे हट गए हम मीन्स वी एक कदम मीन्स अ स्टेप एंड पीछे हट गए मीन्स मूव फॉरवर्ड सो द मीनिंग इज फ्रॉम फियर आफ्टर

हमने इन सभी जानवरों को देखा देन वी सॉ ऑल दीज एनिमल्स नेक्स्ट लाइन एक बड़े से खुले मैदान में हमने बड़ी बड़ी जाली के बाड़े में घूमते जिराफ को देखा सो so हियर एक बड़े मीन्स अ लार्ज खुले मैदान मींस ओपन फील्ड एंड जाली के बाड़े मीन्स केज केज विच इज पेड अप ऑफ नेट सो द मीनिंग इज In a large open field, we saw a giraffe roaming about a big net that is cage. So, this is the half part of the chapter. The rest of the chapter we will discuss in the next class. Now, here there is an activity for you. You have to read the first 10 lines of this chapter, record it, and submit in Microsoft Teams. Aaj ke liye bas itna hi. अब हम अगली क्लास में मिलेंगे धन्यवाद